हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस के बारे में। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है और उसके ऊपर ध्यान देना भी चाहिए। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो वीडियो में हम उन खबर के बारे में बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 185 रुपए का ये शेयर हाल फिलहाल में खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस एक वक्त का दमदार शेयर हुआ करता था, 1400 से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा था और आज 200 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखिए तो 3.5% की अभी भी गिरावट है। अब देखिए, शेयर 190 रुपए के करीब था, टूट गया, 160 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी तेजी आई। और ये तेजी आने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि उन्होंने HDFC के साथ एक डील करी थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपर सर्किट लगाना शुरू किया क्योंकि HDFC के साथ इन्होंने डील करी थी। अब डील क्या थी, देखिए, जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो HDFC के साथ इन्होंने को लैंडिंग पार्टनरशिप करी थी। अब को लैंडिंग पार्टनरशिप को अगर मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो ये था कि आप देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को लैंडिंग पार्टनरशिप विद HDFC लिमिटेड टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू होम बायर एज कंपेटिटिव रेट्स। मतलब जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, अब डेफिनेटली उसके लिए लोन चाहिए होता है, तो लोन प्रोवाइड करवाने का काम इंडिया बुल्स भी करती है और HDFC भी करती है। अब दोनों क्या किया कि भैया, ये दोनों साथ में आ गए कि भैया हम दोनों मिलकर एक सस्ते दाम पर लोगों को जो है वो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। अब किस तरीके से वो करेंगे, तो देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग विल ओरिजिनेटेड रिटेल होम लोन्स एज पर जॉइंटली ड्रोन अप क्रेडिट पॉलिसी एंड रिटेन 20% ऑफ द लोन। जबकि आप देखिए, 20% का जो लोन बुक होगा वो इंडिया बुल्स मैनेज करेगा और 80% विल बी इन HDFC बुक, और जो 80% का होगा वो HDFC की बुक से जाएगा। और यहाँ पर इट विल सर्व द लोन अकाउंट थ्रू आउट एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द लोन। को लेंडिंग पार्टनरशिप विद HDFC लिमिटेड विल एक्ट एज अ कॉर्नर स्टोन टू इंडिया बुल्स हाउसिंग न्यू बैलेंस शीट लाइट ग्रोथ बिजनेस मॉडल। तो ये कंपनी का कहना था। और देखिए, इंडिया बुल्स की अगर हम बात करने जाए तो इनकी जो पकड़ है वो भैया खास करके काफी बेहतर है टायर 3 और टायर 4 टाउन्स में, इस शहर में। और HDFC के साथ अगर इनका नाम जुड़ता है भैया इस तरीके की डील के साथ, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना तय है। और वही हुआ, तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन हाँ बाद में गिरावट भी आई, लेकिन अब फिर से ऊपर की तरफ शेयर दौड़ रहा है। आज की जो खबर थी वो ये थी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो ग्रो को सौंप दिया है। ग्रो ग्रुप, जिसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है, बहुत ही कम वक्त में ग्रो की अगर हम बात करें तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर चुका है ये ऑलरेडी। IPLs में हमने इनकी कई सारी एड्स वगैरह भी देखी थी और 175 करोड़ में ग्रो ने इनका जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसको अक्वायर कर लिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो प्लान है आने वाले समय में वो यही है कि भाई साहब, हम फुल्ली जो फोकस है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ अब हम हाउसिंग के ऊपर ही करने वाले हैं। हाउसिंग लोन्स के ऊपर हमारा जो फुल्ली फोकस है वो रहने वाला है, और जो म्यूचुअल फंड का जो हमारा जो बिजनेस है उसको हमने सौंप दिया है ग्रुप के, जो ग्रुप है उसको 175 करोड़ के रुपए के आसपास में ये डील फाइनल हो चुकी है। तो ये ग्रेटेस्ट अपडेट थी और दोनों ही चीज अगर हम देखें तो पॉजिटिव में मान सकता हूं इनके लिए। एक साल की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक साल में 51% का ग्रोथ है, लेकिन चार्ट आप देखिए, एक बड़ी तेजी आई, उतनी ही बड़ी गिरावट आई, फिर उससे ज्यादा बड़ी तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके की न्यूज सराउंडेड देखने को मिली है वो तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी तो है। 3 साल में देखिए तो 1375 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था, और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर कहा था कि भाई साहब गिरावट आने वाली है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को अवॉइड करना चाहिए। पिछले 3 साल से मैंने कभी भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि 185 रुपए का ये जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिहाज से थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। रीजन ये है कि
एक तो HDFC के साथ अच्छे खासे डील इन्होंने क्रैक करी है, और आने वाले समय में कंपनी जो का जो जो मेन फोकस होगा वो डेफिनेटली हाउसिंग के ऊपर ही रहने वाला है। ऊपर से अच्छे खासे फंड रेजिंग इन्होंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, और देखिए 1,400 रुपये के लेवल से टूटकर नीचे आया है, अभी भी बाउंस बैक नहीं दिखाया है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी तेजी और रफ्तार यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम टारगेट के बारे में भी बात करेंगे कि कितना टारगेट आप यहाँ पर ज्यूम करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से। मिड कैप शेयर है ये, 8,655 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में देखा जाए तो 1,31,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 21.70% की होल्डिंग है, लेकिन सरप्राइजिंगली FIIs और म्यूचुअल फंड ने काफी बढ़िया तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और ये वाकई में अच्छी बात है। 33.61% की होल्डिंग FIIs के पास है, 2.81% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और इंश्योरेंस कंपनी भी भाई साहब 9.92% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी है। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है। यहाँ पर इतना ही नहीं, LIC भी 9.91% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी है। तो बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा है, और अभी भी उन्होंने अपना भरोसा जताया है इस कंपनी के ऊपर, अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है, मेंटेन किया है, इवन बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड बड़ा पे कर रहा है। अभी भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जब 1,400 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, तब तो ये भाई साहब 35-40 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा था। अभी भी 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल फरवरी में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। इस बार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि देखिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव की बात करें तो भैया बिजनेस इन्होंने ग्रो को बेचा, 175 करोड़ रुपए वहां से आए हैं, उसके साथ साथ HDFC के साथ भी एक डील करेक्ट करी है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में डेफिनेटली जो हाउसिंग बिजनेस है थोड़ा सा असर इसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि जो लोगों की जॉब है लोगों के बिजनेस है इम्पैक्ट हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी के अब मौके थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे आपको आने वाले दिनों में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 97% लोग खरीदने की सलाह दे, जबकि 3% लोग बेच के निकलने की बातचीत यहाँ पर आपको कर रहे हैं। मतलब देखिए पॉजिटिव आउटकम बहुत सारे लोगों का है यहाँ पर, 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू की मैं बात करूं तो हाँ, मानते हैं कि लगातार इनके रेवेन्यू में गिरावट आई है, और ये बात लाजमी है कि ये होना ही था यहाँ पर। अब देखिए गिरावट आई है, 3,370 करोड़ के रेवेन्यू आज 2,500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और प्रॉफिट्स आप देखें तो प्रॉफिट्स हालांकि टूटे थे, 550 करोड़ से गिरकर 126 करोड़ तक आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 126 करोड़ का प्रॉफिट 272 करोड़ रहा, फिर 323 करोड़, फिर 330 करोड़। अब मार्च में कैसे नतीजे आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और रिजल्ट्स इनके कब आने वाले हैं उसके बारे में अगर हम बात करने जाए तो उसको लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, शेयर डेफिनेटली बहुत ही दमदार था 2019 तक, साल में 4 बार डिविडेंड पे करता था ये। आप देखिए फरवरी 11 फरवरी 2019 में डिविडेंड पे किया, फिर उसी साल 2019 में मई में भी इन्होंने डिविडेंड पे किया, अगस्त में पे किया और नवंबर में भी पे किया। साल में 4 बार डिविडेंड पे करने वाला शेयर था ये, और 35 से 40 रुपए तक का डिविडेंड ये सिर्फ पे करता था सालाना। और इस बार हालत ऐसी हो गई कि पिछले साल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही डिविडेंड पे कर पाए, वो भी 300% का ही। इस बार अभी भी इन्होंने उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है। अब करेंगे कि नहीं वो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से डिविडेंड पे करता है ये। ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली पिछले कई सालों से इंडिया बुल्स के ऊपर मैंने आपको अवॉइड की सलाह दी 2018 से, जब से ये टूटना शुरू हुआ था, और मैंने कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकती है, और शायद थोड़ा सा ऊपर यहाँ से निकल सकता है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में 200 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर एक बार वो टारगेट अचीव हो गए तो फिर ये 225-230 रुपए के लेवल के लिए भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया बुल्स खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको यहाँ पर शेयर 35-40 रुपए का फायदा होता है यहाँ से, जैसे कि 200 निकल गया फिर 225-230 रुपए भी इसने क्रॉस कर दिया, तो फिर वहां पर आपको क्या करना चाहिए उसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, शायद प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी मैं आपको कह सकता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को
आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन 185 रुपए के लेवल पर है, ठीक है? अगर ये 220 क्रॉस कर जाता है तो मेरी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा मैं वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।